आम आदमी पार्टी सिवनी जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने खेरी टेक नागपुर रोड सिद्धि विनायक लॉन में भारतीय संविधान दिवस आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस केक काटकर मनाया और शुभकामनाएं प्रेषित की। विनय पाठक ने हम होंगे कामयाब गीत के साथ लोगों का दिल जीता, वहीं स्वरचित कविताओं से रक्षा उपाध्यक्ष ने कोरोना काल उसकी सुरक्षा व सावधानी दिवस पर कविता कही। कार्यक्रम के शुरुआत में आपके जिला मीडिया प्रभारी राजेश पटेल 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए नौजवानों को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। अधिवक्ता मनीष शुक्ला ने मंच संचालन किया व वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपना संबोधन दिया। तत्पश्चात आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिले में होने वाले आगामी नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सहित आम आदमी पार्टी समर्थित सरपंच पद के लिए प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा कर शंखनाद किया। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रभारी विशेष आमंत्रित अतिथि अधिवक्ता जयदीप सिंह बेस ने पार्टी की स्थापना व उसके उद्देश्यों को रखा व पत्रकार साथियों के जवाब दिए। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित में जिला मीडिया प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 15-20 सालों में कोई विशेष विकास परिवर्तन नहीं हुआ है। सिवनी में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शहर की पूरी रोड खराब है, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। आम जनता के लिए चौक चौराहे में सुलभ शौचालय नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है, जनता को पीने का गंदा पानी मिल रहा है, कोई पात्र व्यक्तियों को मकान के पट्टे नहीं मिले हैं, आम जनता को कोई भी सुचारू मूलभूत व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, चौक चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े रहते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है, अवैध कॉलोनियों को पक्का नहीं किया जा रहा। अर्थात आम आदमी पार्टी सिवनी की जनता की मूलभूत मुद्दे व दिल्ली की तर्ज में आम आदमी पार्टी उपरोक्त सभी पदों के लिए ईमानदार प्रत्याशियों को उतारेगी और पूरी ताकत से दिल्ली के तर्ज पर जनता से चुनाव का खर्च के लिए जनता के सामने चादर फैलाकर चंदा इकट्ठा कर ईमानदारी राजनीतिक विकल्प देगी। आज से पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में हिसाब दो जवाब दो जन संवाद यात्रा शुरू करने जा रही है जो 26 दिसंबर तक चलेगी। इस तारांतर्य में प्रथम चरण में सिवनी सहित बालाघाट, केवलारी और छपारा में यह यात्रा निकलेगी। हिसाब दो जवाब दो जन संवाद यात्रा प्रभारियों नियुक्त आम आदमी पार्टी ने जन संवाद यात्रा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और छपारा में रमेश चौहान व अलीम अंसारी को बनाया गया है। वहीं नगर परिषद बरघाट का प्रभारी राजेंद्र ठाकुर को बनाया गया है। सिवनी में यह यात्रा का प्रभारी विनय पाठक, भीकम ब्रह्मवंशी राम गोपाल को बनाया गया है। यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जनता से संवाद करेंगे व गली मोहल्लों की जन समस्याओं को एकत्र करेंगे व जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग आदि की सावधानी बरतेंगे व लोगों को महामारी से जागरूकता संदेश के साथ ही ऑक्सीजन की जाँच भी करेंगे। यह यात्रा का चरण पूर्ण होते ही पोल खोल अभियान के माध्यम से पार्षदों से 5 साल का हिसाब मांगेंगे। संविधान दिवस भी और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस। आम आदमी पार्टी जो है संविधान के सिद्धांतों पर काम करते चले आ रही है, जिसका उदाहरण दिल्ली में भी हमने राजनीति परिवर्तन किया है। राजनीति कैसी करना चाहिए ये हमने दिखाया है और जो आखिरी छोर का व्यक्ति जो है उसको तक हमने मूलभूत व्यवस्थाएं दिलवाई हैं। इन्हीं सिद्धांतों के तहत आम आदमी पार्टी काम कर रही है और अब हम जो है आम आदमी पार्टी का विस्तार करते हुए मध्य प्रदेश में भी जो है तेज़ी से हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और उसी के तहत जो है नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है आगे, ताकि जो व्यवस्थाएं और जो लाभ जो है दिल्ली की जनता को मिल रही है वैसी सारी व्यवस्थाएं जो है अब हमारे मध्य प्रदेश में भी और हमारे सिवनी जिले में भी सभी आम नागरिकों को। जय हिंद।
कहना है कि आप जनप्रतिनिधि हो, तो आपकी जवाबदारी बनती कि जनता की सेवा। तो पिछले 5 सालों में जो नगर पालिका में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, तो हम एक यात्रा चला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं हिसाब दो, जवाब दो। यात्रा कब से शुरू हो रही है? आज से स्टार्ट हो गई है। हिसाब दो, जवाब दो। तो कहने का मतलब जवाब दो तो संपूर्ण जिले में कर रहे थे, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र। हिसाब दो, हिसाब दो का मतलब ये है कि शहर में अगर आपने काम किया है तो क्या काम किया, जवाब दो। क्योंकि हमारा ये कहना है शहर में रोड खराब है, नालियाँ गंदी नालियाँ हैं, गंदा पानी आ रहा है, कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है, तो आप जवाब दो कि आपने क्या काम किया। काम किया है तो उसका हिसाब दो कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, कितने कितने रुपए खर्च किया। तो ये हम ये यात्रा जो है पूरे नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड वाइज वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।